रात 11:30 बजे करीब मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह जी आ गए थे। इसके बाद एयरपोर्ट पे यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव अरविंद अनूप पांडे ने उनका स्वागत किया। यहाँ से वो सीधे यहाँ ताज शिल्पग्राम के पास आए, यहाँ एक होटल में कुछ देर रुके। इसके बाद बैटरी कार से अभी जस्ट एक सेकंड पहले ही वो ताजमहल के पूर्वी गेट से ताजमहल देखने के लिए बैटरी की गाड़ी से पहुंचे हैं, जहाँ इनको देखते हुए पूरे ताजमहल के आसपास के जितने बाजार हैं उनको पहले बंद करा दिया था और करीब 2 घंटे पहले से ही टिकट विंडो से टिकट बंद हो गई। अभी चल रहा है, सब बाजार बंद है, सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम है। पुलिस के साथ साथ ताजगंज पुलिस और पर्यटन थाना पुलिस एयरपोर्ट से लेकर के ताजमहल के पूर्वी गेट तक तो पुलिस छाई चारों तरफ है और अधिकारी यहाँ पे सारे प्रशासनिक अधिकारी करके जिला अधिकारी एसएसपी सभी मौजूद है मौके पे। और अभी राष्ट्रपति जी अंदर पहुंच गए, अब वो ताजमहल का दीदार करेंगे।